से हरियाणा में जो सैतीस नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहित राठिया जी। कितने पढ़ रहे हो? मैं पोस्ट ग्रेजुएशन, मैं रोहतक से आया हूँ जी। मैं आपके माध्यम से जो हरियाणा में 37.4% बेरोजगारी है उसकी एक मुख्य मजर है अपने मुख्यमंत्री और जो ब्यूरो के संघ पहुँचाना चाहता हूँ। सर बात यह है, मैं स्टेट पीसीएस की तैयारी करता हूँ सर। तो मैं स्टेट पीसीएस और आईएससी की तैयारी करता हूँ सर। अभी मैं एससीएस का मेंस दे के आया और आपके जाकर जान के हैरानी होगी कि उस पूरे रूम में एकला मैं ही था जो लोकल था। उसके पीछे सर एक बहुत बड़ी वजह है जो हमारी गवर्नमेंट से छुपी हुई है। वजह यह है, अदर स्टेट जैसे एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, इन्होंने एक पॉलिसी अपना ली है कि वहां की लोकल जीके तो ये 40% देते हैं और हरियाणा का अगर आप पेपर उठा के देखेंगे प्रीलिम्स, हरियाणा जीके केवल 3 और 4 क्वेश्चन ही थे, जिसकी वजह से बाहर वाले जो कैंडिडेट है वो तो यहाँ पे आ जाते हैं पर हम जो कैंडिडेट है वो बाहर नहीं जा पाते। लास्ट 2018 के जो राजस्थान प्री में मेरे सभी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर होते हुए भी मैं बाहर हो गया क्योंकि उनकी जो जीके थी उसमें मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, क्योंकि जो भी लोकल होता है वो वहाँ की जीके में अच्छा स्कोर कर लेता है। तो हमारी जब जो भर्ती निकली हुई अभी एचपीएससी में, उनमें भी आपने देखा हुआ केवल 2 या 3% हरियाणा जीके डाली हुई है, जबकि सेम भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर की राजस्थान में ग्रेड 1 की, ग्रेड 2 की और हिमाचल में असिस्टेंट प्रोफेसर में जो इवन दो वहाँ पे इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होता है जहाँ पे लोकल ही आते हैं और हमारे यहाँ पे इस वजह से हमारे कैंडिडेट वहाँ पे कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। और अभी पीजीटी में भी देख लेना आप, ग्रेड 1 में मैं सरकार से एक बार दरख्वास्त करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, कम से कम एक बार उनका सिलेबस और पेपर पैटर्न निकाल के देख लो भाई, ब्यूरोक्रेट जितने भी हमारे, यानी कि जो दूसरे राज्य की तरफ पर हरियाणा के अंदर भी ऐसा ही होगा। 40% कम से कम 20% को दे, 25% को दो सर, हमें कम से कम एटलीस्ट चांस तो दो। ये तो हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है 15 और 16 का, बाहर वालों के लिए पूरा चांस है, हमें बाहर चांस नहीं सर। मैंने ग्रेड 1 का पेपर भी भरा था अभी, वहाँ पे आप इमेजिन करो 40% राजस्थान जीके, हरियाणा वाला कैंडिडेट कैसे कम्पीट कर पाया वहाँ पे। और वही राजस्थान वाले अब हरियाणा में फॉर्म भर रहे हैं, उनको बस केवल 2 क्वेश्चन को टैकल करना है, उनके लिए बिल्कुल ओपन कंपटीशन है हमें, तो उनके लिए तो जब भी पॉइंट है। ये बात सरकार के ना तो किसी ब्यूरोक्रेट को पता है ना सरकार के मंत्री को पता है, हमने एप्लीकेशन लगा ली कोई उनका जवाब देता ही नहीं है क्योंकि हमारे ब्यूरोक्रेट ऑलरेडी दूसरे राज्य से हैं, तो वो हम क्यों चाहेंगे हम उनकी जगह लें। तो ऐसा ही हमारा स्टेट सर्विस पब्लिक सर्विस का सबसे बड़ा कंपटीशन का टेस्ट होता है हमारे, जिसपे एसटीएम लगते हैं वहां पे देख लेना सर, अब की बार रिजल्ट आएगा। मैं समय देके आया हूँ, पूरे कमरे में एक लोता बंदा जो लोकल था वो मैं था, इसकी वजह यही है कि हमारे में 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, हम वहां पे जाते हैं तो 40 क्वेश्चन हमें मिलते हैं।